जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, डिसेंट मोटर पर फिर से आपको लेके आए हैं। तो आज के रिव्यू में जो गाड़ी आपको दिखाएंगे ये है जी 2016 मॉडल GLI है हमारे पास, और इसकी जो कंडीशन है ये टोटल जेन्युइन है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे हमारे पास 2005 मॉडल SE सलोन करोला भी मौजूद है, जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत में आप लोगों को मिल जाएगी ये गाड़ी दोस्तों। और अभी जो है रिव्यू शुरू करते हैं इस गाड़ी का, और उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि यार चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पर क्लिक कर लें दोस्तों। जो डिसेंट मोटर है, जब आप गुजरांवाला चांदा किला से सिटी की तरफ जाते हैं तो जी मंगोलिया के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है डिसेंट मोटर अवेलेबल है। इनका जो बोर्ड है आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप आके तो ये गाड़ियाँ देख सकते हैं दोस्तों। ये जो गाड़ी है चले इसका मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो कि सस्ती गाड़ी है और करोला SE ये दोस्तों ये मॉडल है 2005 का ये मॉडल है, और बाहर से ज़ाहिर सी बात है 5 मॉडल है, तो इसकी जो कंडीशन है ये सारी शावर्ड है। और इसमें देख सकते हैं जी इसका जो है बोनट इसका बिल्कुल डेंटलेस और स्क्रैचलेस गाड़ी का बोनट है। बम्पर अगर देखें तो बम्पर भी इसका तकरीबन ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एक स्क्रैच जस्ट ये मौजूद है इतना सा, तो ये इतना कोई इशू नहीं है, आगे पीछे करते इतना सा हो जाता है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं आप लोग, और इस साइड से भी देख सकते हैं बम्पर की और जो साइडों की कंडीशन है ये आपके सामने है। टायरों में बड़ी ही खूबसूरत जो अलॉय रिम है दोस्तों ये इसके मौजूद हैं। टायरों की कंडीशन 100 में से जो है ये 70% यानी 80% गाड़ी के टायर्स हैं। बाकी देख सकते हैं जी इसकी जो कंडीशन है साइडों से डोर्स की, ये आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ अंदर से। और ये देखें जी ये ऑटोमेटिक है, क्या बात है, ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन है जी 5 मॉडल है, ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन है, स्क्रीन लगी हुई है, साफ़ सुथरा जो है ना ये इसका डैशबोर्ड है। डोर्स की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ डोर्स हैं इसके। जो सीट्स हैं इसकी ये भी बिल्कुल साफ़ हालत में है, ठीक हो गया, बिल्कुल साफ़ हालत में इसकी सीट्स हैं, कोई भी सीट फटी हुई नहीं है, रफ़ नहीं है, ओके हो गया जी। अभी आपको दिखाते हैं जिसका जो है बैक रूम, तो ये पीछे वाली सीट्स भी इसकी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हालत में इस गाड़ी की सीट्स हैं, ठीक हो गया। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो डिमांड है ये अब आपको बता देते हैं कि इसकी जो डिमांड है ये क्या की जा रही है। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है ना ये कर रहे हैं 12.5 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपये इसकी जो डिमांड है नहीं की जा रही है। डिसेंट मोटर पर ये गाड़ी अवेलेबल है, बाकी जो है इसकी साइड से भी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। इसकी 12.5 लाख रुपये डिमांड है, प्राइस में हल्की फुल्की कमी पेशी हो जाएगी। अगर कोई दोस्त को बाई इंटरेस्टेड है तो वीडियो पर जो है ना ये नंबर चल रहा है इनका, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। बाकी इधर हमारे पास 2016 मॉडल है जी GLI, ये टोटल जेन्युइन है दोस्तों। इसका बोनट भी बिल्कुल ठीक है, साफ़ है, और लाहौर नंबर की ये गाड़ी है। इसका जो फ्रंट बम्पर है ये भी आप लोग देख सकते हैं, इस पर कोई भी मतलब स्क्रैच वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये फ्रंट कैमरा नहीं, ये इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के टायर्स वगैरह, टायरों में जो है अलॉय रिम इसके मौजूद है, 100 में से जो है ये इसके 70-80% गाड़ी के टायर्स अवेलेबल हैं। और इसका जो है ये डोर्स आप लोग देख सकते हैं जी, डोर भी इसके बिल्कुल ठीक है, साफ़ हालत में। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी जो बैक साइड है, तो बैक साइड भी इसके देख सकते हैं जी, बैक कैमरा जो है यहाँ पर इसका ये इसमें मौजूद है। इसका जो बैक बम्पर है ये बिल्कुल ठीक हालत में है, साफ़ हालत में है। और अभी आ जाएंगे आपको मैं दिखा देता हूँ इस गाड़ी की जो राइट साइड है, राइट साइड भी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की, जो कि बिल्कुल फ्रेश हालत में है, ठीक हालत में है। टायरों में जो है इसके अलॉय व्हील्स जो हैं इसके मौजूद हैं बड़े अच्छे। और अभी अंदर से गाड़ी देखते हैं, अंदर से गाड़ी की क्या कंडीशन है जी। तो देखें जी ये है गाड़ी का डोर, राइट डोर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सील्स वगैरह गत्ते वगैरह। और ये है जी गाड़ी के मीटर भी आप लोग देख सकते हैं, 129 जो है ना समथिंग ये चली हुई है। और डैशबोर्ड इसका देख सकते हैं ऑटोमेटिक है, 1.3 है, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। और ये देख सकते हैं जी सीट्स जो हैं इसकी, ये भी बिल्कुल ठीक हालत में है, साफ़ हालत में जो गाड़ी की सीट्स हैं ये अवेलेबल हैं जी। और अभी आ जाएँ जी बैक रूम की जो सीट्स हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें जी बैक रूम की जो सीट्स हैं ना पिछली, ये भी बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी सीट इसकी फटी हुई या फिर रफ हालत में नहीं है। चलें इस गाड़ी का इंजन भी देख लेते हैं एक नज़र। तो इसकी फिर जो डिमांड है ये आपको बताते हैं कि इसकी 1.3 की ऑटोमेटिक की जो डिमांड है ये क्या की जा रही है डिसेंट मोटर पर जी। तो बोनट इसका मैंने ओपन कर लिया हुआ है, तो इंजन इसका देख सकते हैं, इंजन इसका बिल्कुल ठीक है,
मैकेनिकली बिल्कुल साफ़ है, देख सकते हैं वीडियो में कोई भी इशू नहीं है गाड़ी को, जैसे आपने लेना चलाना है। 1.3 इसका इंजन है, ऑटोमेटिक में है ये गाड़ी। फ्रंट पट्टी इसकी देख सकते हैं, ये गाड़ी की जो बोनट की कंडीशन है ये भी आप लोगों के सामने है। ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है ये टोटल जेन्युइन बताई जा रही है शोरूम की तरफ से। बाकी इसकी वीडियो में जो कंडीशन है ये मैंने आपको दिखा दी हुई है सारी। इसकी जो डिमांड है ये की जा रही है कि 27.5 लाख रुपया इसकी डिमांड कर रहे हैं। प्राइस में कमी पेशी हो जाएगी, निगोशिएबल है प्राइस। और ऑटोमेटिक है, 16 मॉडल है, टोटल जेन्युइन है, अलॉय व्हील्स हैं ये इसमें इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।